राहुल गांधी ने किया भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। सोनिया गांधी बोली, ये संगठन के लिए संजीवनी का काम करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का बुधवार को राहुल गांधी ने आगाज कर दिया है। साल 2024 के आम चुनाव को देखते हुए कन्याकुमारी से पार्टी की इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। 3,500 किलोमीटर के इस पैदल मार्च को 150 दिनों में पूरा किया जाएगा और इसका अंतिम पड़ाव कश्मीर होगा। यात्रा को कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। सोनिया गांधी भी इसे लेकर खासा उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि वो इसमें पूरे दिल से शिरकत करेंगी। सोनिया गांधी ने कहा, ये गौरवशाली विरासत वाली हमारी महान पार्टी के लिए ऐतिहासिक अवसर है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे संगठन के लिए संजीवनी का काम करेगा। गौरतलब है कि सोनिया गांधी मेडिकल चेकअप के लिए विदेश में हैं। हाल ही में उनकी मां की मौत हुई है। कन्याकुमारी से अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि मुझे तमिलनाडु आकर बहुत खुशी होती है। आजादी के इतने साल बाद भी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भारत के करोड़ों लोग भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग झंडे को देखते हैं तो झंडे में 3 रंगों को और चक्र को देखते हैं, लेकिन सिर्फ ये इतना ही नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये झंडा इतनी आसानी से हमें नहीं मिला। राहुल गांधी ने कहा, आज बीजेपी की सरकार में हर एक संस्था खतरे में है। वो इस झंडे को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं। मुश्किल ये है कि वो भारतीय लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ईडी की पूछताछ का जिक्र करते हुए कहा कि वो कितने घंटे इंटरोगेशन कर लें, एक भी विपक्ष का नेता नहीं डरने वाला है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी सोचती है कि वो इस देश को धार्मिक भाषा के आधार पर बांट सकते हैं, जो नहीं हो सकता। ये देश हमेशा यूनाइटेड रहेगा। भारत आज सबसे बुरी आर्थिक क्राइसिस के दौर में है। मंगलवार की रात यहां पहुंचे वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने अपने पिता के स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि की और प्रार्थना सभा में शामिल हुए। कांग्रेस नेता ने अपने पिता के स्मारक स्थल पर एक पौधा भी रोपा। गौरतलब है कि तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में 3 दशक पहले एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती हमला कर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी जनसभा से पहले कन्याकुमारी के गांधी मंडपम में एक प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। इसके बाद उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राष्ट्र ध्वज सौंपा। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवेल्लुवर स्टैच्यू और कामराज मेमोरियल भी गए। पद यात्रा 11 सितंबर को केरल पहुंचेगी और अगले 18 दिन तक राज्य से होते हुए 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।